धनबाद में राजगंज महुदा फोर लेन सड़क पर उस समय हंगामा और बवाल मच गया जब राजगंज को जोड़ने वाली नई फोर लेन सड़क के बीच बनी कुआं को अचानक रात 1 बजे बंद कर दिया गया, जिसके विरोध में आक्रोशित ग्रामीणों राजगंज महुआ मुख्य मार्ग को घंटों जाम कर प्रदर्शन करने लगे। वहीं आक्रोशित लोगों ने कहा कि जब तक पानी की समस्या का हल नहीं हो जाता तब तक सड़क जाम नहीं हटेगा। घटना पर सुबह हम लोग रात में यहाँ कुआं भर दिया है और हम पानी की बहुत समस्या हम लोग का है, इसलिए गांव से आक्रोशित हम लोग रोड जाम कर दिए हैं कि ताकि पीडीओ साहब आएंगे कि हम कुछ व्यवस्था करेंगे, निकली व्यवस्था करेंगे। वहीं घटना की सूचना के बाद बागमारा बीडीओ सुनील कुमार प्रजापति और बागमारा प्रखंड प्रमुख गुड़िया रानी भी घटना स्थल पर पहुंचे और ग्रामीणों के आक्रोश को देखते हुए जिला प्रशासन एनएचएआई के अधिकारी के बीच समझौता हुई, उसके बाद जाम खोला गया। ग्रामीण जो कुआं भाते जाने पर लोगों ने उसका विरोध किया और जाम किया, तो उसी के संबंध में जैसे ही संज्ञान प्राप्त हुआ मैं आया और लोगों को समझाने में मैंने काम किया। एनएच वाले को भी बुलाया कि इसमें पूर्व से ज्ञात हुआ कि पूर्व से एक कुआं जो सड़क पे ही था, एनएच में ही था, उसे गत रात भाग दिया गया है, उसकी भराई कर दी गई है और वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर तत्कालीन यही बात हुआ था कि एक कुआं बगल में खोद दिया जाएगा। जब भारत ने देखा तो कुआं अधूरी है, ये दोनों पक्षों को, ग्रामीणों को भी और एनएचएआई के जो रेस्पॉन्सिबल पर्सन उन लोगों को बुलाया गया और समाधान करने का प्रयास किया गया। तत्काल अभी ये समाधान के तौर पे बताया गया कि 15 दिनों के अंदर कुआं निर्माण पूर्ण कर देंगे तथा इस दरमियान वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर सुबह शाम ग्रामीणों को पानी टैंकर के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। ये बातें एनएचएआई के रेस्पॉन्सिबल पर्सन ने। दरअसल फोरलेन कंपनी अशोका बिल्डकन द्वारा अचानक रात 1 बजे फोरलेन स्थित कुआं को बंद कर दिया गया, जिसकी जानकारी ग्रामीणों को तब मिली जब सुबह पानी भरने आए। उन्होंने देखा कि कुआं पूरी तरह से मिट्टी से ढका हुआ है, फिर उन लोगों ने सड़क जाम कर दिया। पंजाब केसरी टीवी के लिए धनबाद से नीरज कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।